आज मैं बताऊंगा कि विंटर गार्डन ब्लॉक में कैसे कंडक्टर होल्ड होता है। चलिए देखते हैं। पहले एनओ एनसी बटन लेंगे, उसके बाद हम जो कॉइल है कॉइल का वायर एक लगा देंगे, न्यूट्रल सेट करवा देंगे। करने के बाद हम और एक फेस लेंगे, फेस लेने के बाद एनओ में एक पॉइंट लगा के क्या करेंगे, अच्छा से पूरा टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद उधर एक लूप करेंगे, लूप लेके उधर ऊपर जो थ्री पॉइंट्स है उसमें नॉट बोल्ट लगा के टाइट करवा देंगे। ठीक है, ये जो हमारा जो सीट इंचार्ज है ये बोला था करने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करते करते हम इसको कर पाए हैं। ठीक है, वो चैलेंज का बात था, सक्सेस हो गया। फिर क्या करेंगे कि अभी और एक एनओ से वायर निकालेंगे, निकालने के बाद उसको टाइट करेंगे। ठीक से ठीक उसी तरह जैसे कनेक्ट किए हैं उसको भी एनओ से लगाएंगे, सॉरी एनसी से लगाएंगे। लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसे आउट करेंगे एक वायर। आउट करने के बाद दूसरा जो पॉइंट है थ्री पॉइंट में, उधर एक नट बोल्ट लगा के स्क्रू टाइट करवा देंगे। ये अंदर से ही ओपन सर्किट रहता है, जब होल्ड होगा ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, इधर का एक कॉइल का वायर लगा दें, फिर लगा के उधर कॉइल में शॉर्ट कर दें। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस, अभी कंप्लीट हो गया सर्किट। अभी इसको जब दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर होल्ड होकर रहेगा, फिर जो हम एनसी को दबाएंगे तो क्लोज होगा, छोड़ देगा सर्किट, कुछ छोड़ देगा। देखो ये दबा देंगे तो छोड़ दे रहा है, दबा रहे तो होल्ड हो रहा है।